सो हे गाइस यार, दिस इज योर होस्ट एंग्री ओम एंड वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो। गाइस यार, गाइस आप देख सकते हो कि मेरा जो लेफ्ट साइड में देख सकते हो अपना एफपीएस जो है ना 150 के है ना प्लस है ना ऊपर जा रहा है गाइस, क्योंकि मेरा मतलब बहुत ही कम लो एंड पीसी है गाइस। आपको पता ही है मतलब कितना लो एंड पीसी है मेरा, फिर भी मैंने ऐसी कौन सी सेटिंग अप्लाई की है अपनी पीसी में कि जो कि मेरा जो कम से मतलब 60 के ऊपर एफपीएस नहीं जाता था वो अभी जा रहा है, कभी कभी तो 200 के ऊपर भी जा रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको तो पता ही होगा भाई मेरा पीसी लो एंड है, तो मैं आपको कुछ है ना ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जैसे जिससे कि आप ना अप्लाई करके भाई आपका जो है ना एफपीएस होगा वो सीधा जाएगा 100 के ऊपर ही जाएगा। एंड गाइस यार, ये जो बैकग्राउंड में आप जो गेम प्ले की जो है ना क्लिप देख रहे हो ना गाइस, ये जो मैंने सेटिंग जो है ना जो मैं आपको बताने वाला हूँ हाई एफपीएस की सेटिंग, उसको मैंने ऑन अभी तक नहीं किया, इसलिए मेरा जो एफपीएस दे रहा है गाइस वो मतलब मैक्सिमम 70 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, 70 पर ही मतलब पॉज हो जा रहा है, वहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, तो वो सेटिंग अप्लाई करने के बाद जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा मेरा 200 के प्लस है ना एफपीएस जा रहा था कभी कभी तो। ठीक है, तो अगर आपका लो एंड पीसी है तो ये तो पक्का पकड़ के चलो कि आप ये सेटिंग अप्लाई करने के बाद 100 के ऊपर आपको एफपीएस देने वाला है। ठीक है भाई, तो बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर किसी को भी मतलब लो एंड पीसी है ना भाई, तो उसको तो भाई बहुत ज्यादा हेल्प होगी होगी, साथ ही में अगर आपका हाई एंड पीसी है तो उनको तो भाई मतलब क्या ही बताओ, उनको तो बहुत अच्छे से चलने वाला है गेम। ठीक है, एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो भाई जरूर से वीडियो को लाइक कर दो यार, एंड चैनल पर पहली बार है तो मेरे भाई चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ मेरे भाई। एंड अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा है ना तो भाई इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे डीएम भी कर देना। तो शुरू करते हैं आज की मजदूरी बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको दिखा दूं कि मेरा जो पीसी है भाई लो एंड पीसी, सच में मैं आपको मतलब बेवकूफ नहीं बना रहा हूं कि मेरा हाई एंड पीसी है। तो यहां पे देख सकते हो गाइज मेरा जो प्रोसेसर है वही सिर्फ मतलब अच्छा है मतलब पूरी पीसी में, बाकी मेरा 2GB का ग्राफिक कार्ड पे मतलब मैं अपना पीसी मतलब लगा के रखा है भाई 2GB का ग्राफिक कार्ड TT 1030। तो आपको अभी यकीन हो गया होगा कि मेरा पीसी जो है वो लो एंड पीसी है। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, अपना जो ब्लूस्टैक है ना उसको ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले तो। एंड फर्स्ट वाली जो सेटिंग हम लोग करने वाले गाइस वो आपको करनी पड़ेगी, जिससे बाद आपका जो थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन पूरे 3 सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, थर्ड वाली सेटिंग मतलब ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा गाइस ग्राफिक सेटिंग कुछ इस तरह से, मतलब ग्राफिक की सेटिंग जैसे करोगे यहाँ पे ब्राउज जो ऑप्शन है ना यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी इमुलेटर, जो भी आप इमुलेटर यूज़ करते हो जैसे कि आप प्रोग्राम फाइल्स में मतलब हर इमुलेटर की मतलब जो भी फाइल होती है ना उसकी आ जाती है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा अपना जो इमुलेटर है, जैसे कि मेरा ब्लू स्टैक्स है तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एच डी प्लेयर exe के मतलब एक फाइल दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो HDPlayer.exe। तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर ग्राफिक की सेटिंग में, तो ग्राफिक यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन में भाई यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस इसको सेव करना पड़ेगा, ताकि जो आपकी मतलब एफपीएस की ना जो सेटिंग हम लोग करने वाले हैं ना उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और ज़्यादा हाई एफपीएस निकाल के देगा हमको। ठीक है, तो फर्स्ट वाली सेटिंग हमारी हो चुकी है ग्राफिक की सेटिंग। अभी हम लोग चलते गए हमारी जो इमुलेटर की सेटिंग है, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा मेन इसकी मतलब इसीलिए है, तो इसको यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे सेटिंग में जाके। भाई सेटिंग में जाने के बाद ये जो सब मेरी नॉर्मल सेटिंग है मैं हर वीडियो में बताते ही रहता हूँ, तो देख सकते हो परफॉर्मेंस ओपन जीएलयू मतलब यहाँ पे करके रखा है। और ये प्रीफर डेडिकेटेड जीपीयू को आपको टिक करना पड़ेगा अगर आपका नहीं है तो, ASTS को आपको क्या करना पड़ेगा डिसेबल ही कर दो उसको। एंड अगर आपका हाई मतलब है ना भाई हैंड पीसी तो आप इसको 240 पर भी कर सकते हो, जिससे आपको है ना 90 के ऊपर तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन मैं जो सेटिंग बताने वाला हूँ थर्ड वाली उससे आपका जो है ना 200 के प्लस है ना एफपीएस जाने वाला है। ठीक है, तो एंड तक जरूर से देखना मेरे भाई। यहाँ पर ये सब सेटिंग जो आपको तो पता ही है मैं यही सेटिंग पर खेलता हूँ मेरे भाई, तो कुछ ज़्यादा स्पेशल सेटिंग नहीं करके रखा है। अभी मैं आपको ये और एक सेटिंग बताऊंगा सेकंड वाली, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हाई एफपीएस मतलब मिलने में। ठीक है, यहाँ पर एडवांस में भाई आपको ASUS ROG 2 ये सेटिंग भाई करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, मतलब बहुत बंदे इसको भूल जाते हैं करना और उनका जो एफपीएस है मतलब अटक ही जाता है, मतलब 40, 50, 60 इसके आगे बढ़ता ही नहीं है मेरे भाई। तो सेकंड वाली जो सेटिंग है ना ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है इसके लिए। अभी जो मैं आपको बताने वाला थर्ड वाली सेटिंग, जिसके लिए मैं पहले अपना गेम ओपन कर दूँ और आपको दिखा दूँ कि भाई सच में जो सेटिंग जो मैं करने वाला हूँ ना वो लाइव मतलब कैसे वर्क करती है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई, जैसे कि मतलब अभी गेम ओपन नहीं हुआ है मेरे भाई, तो अभी है ना मतलब उतना एफपीएस नहीं दिख रहा होगा आपको, 60 का मतलब 70 के ऊपर जा ही नहीं रहा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे गेम भी स्टार्ट हो चुका है, हम लोग लॉबी में आ चुके हैं, आप देख सकते हो 70 के ऊपर मेरा एफपीएस नहीं जा रहा है। तो गाइस यार अब बारी आती है हमारी लास्ट वाली जो मैजिकल ट्रिक की, जिसकी मैं बात कर रहा था बहुत ही देर से भाई। तो भाई यहाँ पे इसको करने के बाद आपका जो 60-70 जा रहा था ना वो चला जाएगा डायरेक्टली 200 FPS के पास, जिसके लिए भाई आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ प्रिफरेंस में आपको आना पड़ेगा मेरे भाई। और यहाँ पर आपको स्क्रोल करने के बाद दिखेगा भाई शो फीडबैक यूजुअल फीडबैक टैप्स, ये आपको सेटिंग को टिक करके भाई सेव करने का पड़ेगा, और उसके बाद ही बोलोगे भाई पीसी में जादू की तरह मतलब कुछ हो जाएगा आपके, और जो आपका एफपीएस 60 दे रहा था ना वो चला जाएगा सीधा 100 के पार, और 100 के नीचे तो आने वाला नहीं है, जिसका मतलब सबूत देने के लिए मैं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में दिखा रहा हूँ कि 100 के नीचे मेरा अभी एफपीएस जाएगा ही नहीं मेरे भाई। तो ये ऐसी सेटिंग मतलब बहुत मतलब खुद के मतलब सोच के मतलब निकालिए मेरे भाई, कि मतलब
हर सेटिंग मतलब अप्लाई करने के बाद ढूंढा है कि भाई ऐसी कोई सेटिंग है एमुलेटर में जो मुझे लगता है आपको अभी तक पता नहीं होगी। मैं तो गारंटी बोल सकता हूं भाई, अगर आपको पता था या नहीं था मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये सेटिंग जो है पता थी या नहीं। एंड ये वाली जो सेटिंग है ना वो अलग अलग वर्जन में थोड़ा इसका जगह मतलब चेंज हो सकता है पोजीशन, लेकिन आपको बस यही सर्च करना है ना शो यूजुअल फीडबैक फॉर टैब, ये वाली सेटिंग को आपको टिक करना है एंड उसके बाद सेव करना है और देखोगे आपकी पीसी में कुछ ऐसा मतलब ऐसा अनुभव आएगा कि आपको भाई यार कुछ जादू ही हो चुका है पीसी में। ठीक है, तो ये वाली सेटिंग भाई जरूर से आप अप्लाई करना अपनी पीसी में और मुझे बताना। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे डीएम भी कर सकते हो एंड जरूर से मुझे बताना कि ये वाली हमारी ट्रिक आपको कैसी लगी, कमेंट करके मेरे भाई जरूर से बताना। वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर से लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए तो पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बहुत सारी देर वीडियो हम लोग लाने वाले पीसी के ऊपर भी और मोबाइल प्लेयर के लिए भी मतलब बहुत सारी वीडियो आएगी, एंटरटेनमेंट की वीडियो आएगी, तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई। तो आज की मंजूरी पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।